So, on bribery, which I've heard is very rampant and had become very rampant in Pakistan, I don't know what to say because it's been oppressed for so long by the foreign powers. It's been misused, Pakistan. And so, oh God, these poor people of Pakistan. But Miss Dusa and her anti-bribery lecture to me. She was very scared that I would grow up and start taking bribes or something. So there and then she just nipped it in the bud. That action of mine. But I really was not bribing her. However, she made sure that this was not a bribe. This is our natural relationship since 5.5 years, 6 years. We have gone on like this. Ms. Desai lecturing me. And every day. So what happened was one day, no, one night I baked a cake for Miss Desa. Must be before 1980 because her mother was alive. And so I kept it at home in the fridge or something that it wouldn't go bad. And I asked my driver to bring it after school. And so during school, Miss Desa and I, Miss Desa didn't like something of mine, and so we had stopped talking now. And when the driver brought the cake, I took it to her and asked her to take it. And she said she would not take it. Because this was a bribe. I was bribing her. And I told her, no, I was not bribing her. This I made last night for her. So notwithstanding the disagreement we had today in school, this cake is for her. How do I say it? Oh, so you mean to say that thank God you've learned some English over the years. You've become quite fluent. You've had the crazy gift of the gab during St. Joseph's College to impress your principal. If with the gift of the gab someone could get impressed, then that someone is not for me, and I am not for that person. Yes, my people, logo dekho, ye hai zara jawad. Jo language mein gift of the gab se nahi chahti hai koi impress ho aur kisi ka dil wo jeete ya aise. Ye to zindagi ke saath St. Joseph's College mein words ke saath, sentences ke saath, jab iska depression chale gaya. उतर गया तो बड़ी बड़ी चीजें ऊपर आई उभर आई और ये बड़ा प्लेफुल और ये बड़ा ऐसे मम्मी के साथ अपनी प्रिंसिपल के साथ खेलती थी वर्ड्स के साथ फ्रेजेस के साथ रीजन भी लाती थी ऐसे उनको पेश करती थी ऑन यू नो द क्या कहते हैं गोल्डन प्लेटर पे. तो इसके खुदा ने चाहा है कि ये बहुत अपने आप को चाहे. बड़ी इम्प्रेस्ड हो गई अपने साथ अपनी प्रिंसिपल के साथ रह के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में. बड़ी मस्तियां कर की है इसने. इसको ऐसे लगा है कि प्रिंसिपल ने इसे कॉलेज में कहा है सिड्यूस मी सिड्यूस मी. और अगर यहाँ मिस डिसा होती तो फेंट हो जाती.
ये तो वो जहरा नहीं है जो मैंने जिसको कहा था कि एवरीवन विल चेंज बट जहरा विल नेवर चेंज। इसने आके घर पे डायरी में लिखा है कि मिस डिसा इज सो पॉजिटिवली ट्रू। मेरी इंग्लिश में देखें थोड़ा सिंधी वो आता है एक्सेंट पॉजिटिवली ट्रू। तो ये कि अगर इधर यूएई वालों को पता चल गया कि मेरा ताल्लुक सिंध से है, मुझे हर हाइनेस शेखा फातमा बिन मुबारक अल कैदरी से बड़े बड़े कन्फेशंस करने हैं। अब जो आप कहें ये मुजरिम को सजा जो आप दें कबूल है। मुझे तो मिस डिसा ने कहा था सच कहना, सच के अलावा और कुछ नहीं कहना, लेकिन फिर भी इस कुत्ते की दुम तेरी की तेरी। इसने उस हस्ती से झूठ बोला है जो सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल की अब तो हेड मिस्ट्रेस बन गई। पहले झूठ बोलती जब वो टीचर थी तो नहीं, इसके ही कॉलेज ईयर्स के दौरान मिस शफी का फिक्री हेड मिस्ट्रेस बन गई। और लोगों इसने जो किया है ना वो ये कि मिस शफी का फिक्री को झूठ कहा है। तो ऑन द सीरियस लाइन ऑफ ट्रेटर्स ये जो है ना, ये अब मैं कोई गंदी चीज ला रही हूँ। ये अच्छा है दूर रखो, नजस है, पाक लोगों में इसे नहीं आना चाहिए। देखो ये जो ईविल पीपल है ना, ये हमारा अटेंशन मांग रहे हैं। हाँ जहरा जवाद ने तो 14 ईयर्स में भी जाना, 13 ईयर्स में भी जाना कि इसकी जो निजस आंटी है जिनों की बेटी है वो बड़ा अटेंशन मांग रही थी। इसने सही तरह समझा है, अपने आप को सही तरह समझाया है। लोगों जब कभी कोई जिन का सरदार है, जिन का सरदार खाली इमाम साहब जमान अलैहि सलाम है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद, तो ये के मुताहर ने हमारे यहाँ एक चीज होती है, जिन्हों को पकड़ते हैं और फिर बेचारों को स्लेवरी कराते हैं और ऐसे ना गलत काम उनसे कराते हैं। तो जब लंदन में मुझे ऐसे लगा कि मुताहर के जिन हैं तो एक बड़ा ब्लैक पॉच पॉची पैच टाइप, एक क्लाउड टाइप लगा, ब्लैक क्लाउडिश हाँ टाइप लगा मेरे रूम में, लेकिन मेरे आंख थर्ड आई के अंदर मुझे लगा ये लोग आए हैं और मैं इनको कह रही हूँ कि जिंदगी देखो अल्लाह के नाम करो, जाओ अपनी असली असली नेचर को ढूंढो। क्यों अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हो? अल्लाह को ढूंढो तो तुम लोग कह रहे हो कि हम लोग अल्लाह से हैं, बिल्कुल भी नहीं। बेचारे चुप होके सहमे हुए सुन रहे थे मेरा लेक्चर। जिंदगी बड़ी छोटी है, अल्लाह की इबादत करो, और जिन जिन्होंने आप लोगों को पकड़ा हुआ है, लोगों को आप जिन्हों को पकड़ा हुआ है और अपना काम करवा रहे हैं आपसे, आप
उनसे छुट्टी मांगे और जाए, मेरी तरफ से आप फ्री हैं। तुम्हारी तरफ से तो ये फ्री हैं, लेकिन जिन्होंने इन जिन्हों को पकड़ा है उनकी तरफ से तो वो फ्री नहीं हैं। उनके काम कर रहे हैं, पैसे चोरी कर रहे हैं, पैसे ला रहे हैं उनके लिए, और उनको गांव गांव घुमा रहे हैं। तो ये जिन्हों आप लोगों को अपना स्लेव बना दिया है, दूसरे इंसान पे जुल्म करें, डिसीव करें, ये आपका नेचर नहीं है। आपको खुदा ने बनाया है कि आप खुदा की सही इबादत करें। ऐसा ये लोग जो आपको डिसीव कर रहे हैं, जिन्होंने आपको मिसयूज किया है, इनको आप छोड़ दें। खुदा आपके लिए अच्छा चाह रहा है, और ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आप लोगों को, आप जिनों को। तो लंदन में इसने बड़ी ऐसी बातें की हैं मोताहार के जिनों के साथ, और कहा है कि आप अपने खुदा की असलियत पे आ जाएं, जो असलियत के लिए आपको खुदा ने इजाद किया है, सॉरी क्रिएट किया है, और इन लोगों को जो टायरेंट्स हैं, डिसीवर्स हैं ह्यूमैनिटी के, इनके पास आप जाना छोड़ दें। आप जाएं अपनी कश्मीर के माउंटेन्स पे, सही तरह काम करें, अल्लाह का काम करें। थैंक यू सो मच। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।